औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एक्सरसाइज 3.4.1। क्वेश्चन नंबर इसका है 5। ड्रा ए रफ फिगर्स, यानी एक रफ फिगर बनानी है एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी ये जो दिए गए हैं ए बी सी डी पार्ट, इस तरह हमने उसको लेबल देना है। अब सबसे पहले हमारे पास है ए पार्ट, ए इसको है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, यानी पॉइंट पी जो है वो किस पर लाइज करता है, ए बी पर। अब ए बी, ए बी, ए बी, अब इसको किस तरह करना है, क्या बनेगा इसका लाइन, कौन सी लाइन, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इनने ए बी दिखाया है, ए बी दिखाया है ए से लेकर बी तक, इसका मतलब है ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा। जब लाइन आगे एक्सटेंड ना हो तो वो जो होती है वो उसको यानी लाइन सेगमेंट कहते हैं। जिस तरह ये लाइन, ये नुक्ता, ये यहां से इसको एरो नहीं देंगे बल्कि इसको यहां ही हम रोक देंगे, ये आ गई लाइन ए बी, ए बी। अब इस पर क्या शो करना है, पॉइंट पी, क्या पॉइंट पी, पॉइंट यहां हम देखेंगे ये ए बी लाइन पर, यानी लाइन सेगमेंट हमने बनाई, इस पर पी हमने यानी शो किया, लाइज है। तो इसी तरह बी पार्ट जो है एक्स वाई एंड पी क्यू, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, एक्स वाई और पी क्यू जो है इंटरसेक्ट करता है कहां, पी पर। ये जो है लाइन है ना, लाइन है, लाइन है, ये लाइन आएगी, ये लाइन तो एरो देंगे लाइन पी क्यू, तो इंटरसेक्ट किस पे होगा, बी पार्ट इसको लिखेंगे हम, यानी एक्स वाई एंड पी क्यू क्या है, आर लाइन, एक्स वाई एंड पी क्यू ये क्या है, लाइन। जब हम लाइन इसको बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन, एरो दिखाएंगे लाइन पी क्यू, ये किसका क्या करेंगे इसको, इंटरसेक्ट, 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 ये होगा एक्स, ये होगा वाई, और ये क्या होगा, क्यों पी, ये बीच में जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्ट करेगा, इसका हम नाम रखेंगे एम, क्या रखेंगे, एम। तो इसी तरह सी, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, लाइन एल जो है उस पर होगा क्या, उसमें ई और एफ, लेकिन डी नहीं होगा। अब इसको किस तरह हम शो करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, लाइन एल, लाइन एल, जब लाइन एल हम बनाएंगे तो इसको ये लाइन आएगी, ये एक लाइन है लाइन एल सी पार्ट, लाइन एल, लाइन एल, तो इसको क्या, यानी यहां इसको दिखाएंगे ये एल, लाइन एल कंटेन्स, इसमें क्या होगा ई और एफ, ई और एफ, ई एफ हम यहां, ई एफ, ई एफ, ठीक है। जब ई एफ करेंगे लेकिन बट नॉट डी, लेकिन डी इस पे नहीं होगा, जब डी इस पे, इस लाइन पे नहीं होगा तो हम इसको
यहां एक नुक्ता डी लगा सकते हैं, इधर इधर डी, तो किसी जगह किसी भी जगह हम यहां नुक्ता लगाकर डी, तो अब यहां डी, तो इस लाइन पे सिर्फ ई और एफ, डी नहीं है यहां, डी इधर 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 इस पे हम शो नहीं करेंगे। अब डी पार्ट जो है, ओ पी एंड पी क्यू मीट एट ओ, यानी ओ पी और पी क्यू किस पर मिलेंगे, डी पार्ट, एक लाइन हम बनाएंगे, लाइन इस पे क्या होगा, यानी ओ पी एंड पी क्यू, ओ पी और पी क्यू, ये है, ये ओ पी, ओ पी। अब यहां हम एक और लिखेंगे क्यों, क्योंकि ओ पी हमने बनाया, ओ ओ पी और ओ क्यों मीट एट ओ, किस पर मिलेंगे, ओ पी और ओ क्यों किस पर मिलेंगे, यहां से हम लाइन लेंगे, ये किस पर, यहां इस पर मिलती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके 1, 2, 3, 4 पार्ट थे, कंप्लीट हुआ। अगर आपकी समझ में नहीं आया, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।